महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महकता आंचल में। श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे दांतों की देखभाल को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, अपने दांतों की देखभाल में निवेश करना हम सबके लिए उत्तम हो सकता है। आखिर ये उम्र भर आपके साथ जो रहने हैं, लेकिन कुछ लोग दांतों की देखभाल में लापरवाही दर्शाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत से ज़्यादा देखभाल करने के चक्कर में गलत समय पर ज्यादा ब्रश करने से दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने दांतों की देखभाल करने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय करते हैं, आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और उन्हीं से जानते हैं। शुरू में मैं भी दांतों के लिए, या कह सकते हैं कि शुरू में बहुत लापरवाह से थे बचपन में, कि कभी दांत ब्रश कर लिया कभी नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में जब मेरे दो दांत खराब हो गए और उसके बाद आर्मी की तैयारी करने लगे तो कहा कि दांत खराब नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, तो लंबी प्रक्रिया इस बीच में रही। फिर धीरे धीरे मैंने एक जो हमारे कोई रिलेटिव थे उन्होंने बताया कि नियमित दांतों की सफाई करना चाहिए, जो हम रोज भी पढ़ते थे मगर अप्लाई नहीं करते थे खुद में। तो धीरे धीरे हुआ कि दांतों की सफाई करने लगे। पहले ये रहा कि सुबह एक बार दांतों में ब्रश कर लिया, बस हो गया। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन में दो बार दांतों की सफाई करूँ, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक या दो महीने में अपना ब्रश चेंज कर लूँ। लेकिन ये सब करते हुए भी मेरे जो दो दांत पुराने खराब थे वो खराब ही रहे और उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा अपने दांतों के लिए। तो मैं इस बीच में कभी कभी दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, स्मेल आती थी मुँह से और वो सड़न सी आती थी। तो मैंने ट्राई किया कि अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराया जाए। पहले मैं लोकल से ही कराने की सोची, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव के साथ साथ ही उनकी जो तकनीक थी वो हाथ में सफाई नहीं थी। तो मैं एक सही हॉस्पिटल में गया, क्योंकि हम दांतों का जब बात करते हैं रूट कैनाल करने के लिए या उन पर कैप चढ़ाने के लिए, वो भी एक उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये भी प्रॉपर एक ऑपरेशन है, इसे हम बहुत हल्के से ना लें। तो उन्होंने पूरी प्रिकॉशन के साथ और पूरी कैसे कि सफाई के साथ मेरे दोनों दांतों का रूट कैनाल किया, उनमें कैप चढ़ाया। तो उसके बाद से ना मुझे उन दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है और ना दर्द होता है। और मैं अब कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दांतों को साफ़ रखा जाए, नए ब्रश का इस्तेमाल किया जाए और जो भी मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ दांतों को साफ़ करने के लिए वो नियमित लगभग एक ही रहे। हर कि इस बार ये वाला अच्छा है तो ये ले लो, अगली बार ये वाला अच्छा है तो ये ले लो, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। और साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं नॉनवेज चीज़ें खाता हूँ, मीट मुर्गा, तो उसके तुरंत बाद ही दांतों को साफ कर लेता हूँ, क्योंकि होता है कि उनके जो रेसे हैं वो दांतों में फंसते हैं और हमने थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया कोई तो वो कैविटी पैदा करते हैं। तो मैं इसलिए मैं उस कोशिश में रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दांतों को साफ रखा जाए और कैविटी फ्री रखा जाए। बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें। तो नियमित जैसे हम आदतें बना लेते हैं, तो उसी समय इनमें पहला कि दांतों को साफ करें, नियमित साफ करें, एक ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, नए ब्रश इस्तेमाल करें और जब भी हम कुछ मीठा या नॉनवेज खाएं तो तुरंत दांतों को साफ करें। श्रोताओं, कई लोग खाने के तुरंत बाद ब्रश करते हैं जो फायदेमंद नहीं होता है। श्रोताओं, भोजन से बने एसिड दांतों के एनेम को मुलायम कर देते हैं और ऐसे में ब्रश करने से ये एनेमल खत्म हो सकते हैं। खाने के बाद कम से कम एक घंटा इंतजार करें और फिर ब्रश करें ताकि एनेमल थोड़ा कड़क हो जाएं
और तब तक आप पानी पी सकते हैं। श्रोताओं, कम से कम 2 मिनट तक का ब्रश करना चाहिए और इस तरह से कि हर सतह साफ हो जाए और पूरी तरह से ब्रश करें, लेकिन ज्यादा और लगातार नहीं, ताकि आपके दांत और मसूड़े जख्मी ना हों। और हम अपने बच्चों को भी ब्रश करना सिखाएं, ताकि बच्चों को भी जल्दी सिखाना लंबे समय तक के लिए फायदेमंद हो सकता है। और यह एक न छूटने वाली आदत है कि आप ब्रश के बाद ढेर सारा कुल्ला करते हैं, जो सुझाव के विपरीत है। बजाय इसके सिर्फ अतिरिक्त टूथपेस्ट को निकालने के लिए थूकना चाहिए और पेस्ट के कुछ अंश बचे रहने देना चाहिए, ताकि शेष फ्लोराइड धातु में अपना काम कर सके। श्रोताओं, इन सब बातों से ज्यादा अहम है मसूड़ों के रोगों के लिए धूम्रपान। धूम्रपान एक बड़ा कारण है। श्रोताओं, मसूड़ों के रोग केवल आपके मुंह को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते हैं और दांतों और मसूड़ों के संक्रमण हमारे पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब यह कि आपका दिल, दिमाग व खून के बैलेंस सभी को खतरा हो सकता है। कई बार खाने से एसिड आपके मुंह में ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, जिससे आपके दांतों के सेहत को खतरा होता है। और जो लोग लगातार स्नैक्स यानी दुकान की चीजें खाते रहते हैं, वो भी दांतों के लिए नुकसानदायक होता है और मसूड़ों के रोगों का कारण बनता है। और कई तरह तरह के पेय के साथ भी यह बात लागू होती है। और जब हमारा मुंह सूखा होता है तो सांसों की दुर्गंध, हेलिटोसिस के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। इससे लड़ने के लिए आप खूब पानी पिए और सेब सब्जियां खाएं जिनमें पानी अधिक होता है, जैसे कि खीरा, गाजर। और ऐसे कई कारण हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन साल में कम से कम 2 बार अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। और अगर आप धूम्रपान करते हैं या डायबिटिक हैं या फिर दांतों के रोगों का शिकार हैं, तो डॉक्टर को ज्यादा बार दिखाएं। श्रोताओं, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपका दांत किसी दुर्घटना में टूट गया हो तो इसे बचाना संभव है। अब आप सोचेंगे वो कैसे, मैं वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले उस दांत को ढूंढें और उसे रूट से नहीं बल्कि दांत की ओर से उठाएं। अगर वह गंदा हो गया हो तो उसे पानी या दूध में डुबाएं, लेकिन हाँ, उसे पानी में न छोड़ें। उसे एक कपड़े में बांधें, बल्कि सही ढंग से मसूड़े में टूटे दांत की जगह पर ही उसे लगाएं और सीधा डेंटिस्ट के पास पहुंचें। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ बातें, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आपको लिए चलती हूँ सीधा डॉक्टर के पास। सर, आपसे हम आज जानना चाहेंगे कि जो दांतों की सुरक्षा है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दांतों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज खास तौर पे दांतों की समस्या की अगर हम बात करते हैं, तो बाकी स्वास्थ्य की अपेक्षा दांतों का स्वास्थ्य नेग्लेक्टेड है, और इसको हम कह सकते हैं कि डेंटल हेल्थ इज नेग्लेक्टेड। तो इसकी तरफ ध्यान न देना सबसे बड़ा कारण है। जब कम उम्र से हम दांतों की देखभाल नहीं कर पाते हैं और उतना महत्व नहीं देते हैं दंत स्वास्थ्य को, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि दांतों की बीमारियां हमारे शरीर में बढ़ती रहती हैं। सर्वप्रथम माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का दंत स्वास्थ्य सुरक्षित करें, और एक माँ बेहतर समझ सकती है अपने बच्चे की स्वास्थ्य जरूरतों को। और डेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, जागरूकता का अभाव है और आवश्यकता इस बात की है कि हम समझें कि छोटे बच्चे की दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, किस उम्र से हमें उसे ब्रश कराना चाहिए और क्या पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और किस तरह से खाने के बाद कुल्ला करना या ब्रशिंग, बाकी टेक्निक्स का प्रयोग करके हम दांतों को काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि 2 टाइम रेगुलर बच्चे को अपने ब्रश कराएं, क्योंकि छोटा बच्चा खुद नहीं ब्रश कर सकता, तो माता पिता का कर्तव्य है कि उसको प्रॉपर ब्रशिंग कराएं और धीरे धीरे उसकी आदत में चीज़ों को शामिल करें। अगर हम बात करें बचपन की, चाइल्डहुड के स्तर से हम बात करते हैं, तो खान पान पर विशेष ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कहा जाए कि जंक फूड से जो बाकी शारीरिक नुकसान होता है बाकी स्वास्थ्य में, तो जरूर ओरल हेल्थ और हमारी डेंटल हेल्थ में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जंक फूड ना खाएं, फलों का और रेशेदार सब्जियों का, सलाद का, इस तरह के खाने की आदत बच्चों में डालें। और जंक फूड से होने वाली बीमारियाँ आम हैं, इसके बारे में अधिक से अधिक अपने बच्चे को की जानकारी दें, इनसे दूर रहें और प्रॉपर दांतों की देखभाल करें, इससे दांतों से बचा जा सकता है। बच्चे का आहार, सर्वोत्तम आहार दूध होता है, और माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं उनके लिए स्तनपान सबसे बेहतर है, उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और जहाँ तक बोतल फीडिंग की बात, अपने कहीं बोतल से दूध पिलाते हैं तो उसमें मीठे की मात्रा कम से कम रहे, और हो सके तो बहुत न्यून मात्रा उसमें
चीनी की रहे, जिसकी वजह से दांतों में और बीमारियां बढ़ती हैं। और कभी भी दूध पिलाने के बाद, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसको प्रॉपर कुल्ला कराएं। अगर छोटे बच्चे में ब्रश करना संभव कई बार नहीं हो पाता है तो जरूर कुल्ला करें। और चीनी की मात्रा अवश्य कम रखें, चीनी की मात्रा अधिकता दूध में होने से भी दांतों के रोगों की संभावना बढ़ती है। सिगरेट और तंबाकू से जहाँ एक तरफ दांतों में स्टेन आने की संभावना रहती है, और एक प्री कैंसरस लीजन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जो मुख्य रोगों में बहुत बड़ा कारण है ओरल कैंसर का, उसके लिए भी एक प्रेरक कारण होता है स्मोकिंग और तंबाकू। तो इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। यह बहुत आसान तरीका है कि अपने दांतों की बीमारी को आप खुद पहचान सकें। जहां आपको लगे कि दांतों का रंग कुछ चेंज हो रहा है, कालापन आ रहा है या ब्राउन भूरे धब्बे दांत में आ रहे हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इस बात की आवश्यकता कतई न समझें कि जब दांत में दर्द हो तभी हम डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आपके दांत में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको दांतों की समस्या हो सकती है, तो प्रत्येक 6 माह में अपने डेंटिस्ट को आप जरूर चेकअप कराएं, ताकि आने वाले बीमारियों से बचा जा सके। और एक बार यदि दांत खराब हो गया तो मॉडर्न डेंटल टेक्निक्स में कई सारे ऐसे पद्धतियां हैं जिससे दांत को बचाया जा सकता है। शीघ्र से शीघ्र आपको आवश्यकता इस बात की होती है कि आप डेंटिस्ट को से परामर्श करें। दांत में दर्द होने का कारण है दांत का खराब होना, उसमें इन्फेक्शन होना, और आज तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है कि दांत को पहले डेंटिस्ट बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें फिलिंग, रेस्टोरेशन या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसी तकनीक है जिससे खराब दांत को भी बचाया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि उसको बचाया जा सके, तब अंततोगत्वा दांत को निकालना पड़ता है, और इसके बाद भी प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट आज उपलब्ध हैं, ताकि दांत निकलने के बाद उस दांत की जगह पर नया दांत प्रतिस्थापित किया जा सके और वो दांत पूरी तरह से फंक्शनल होता है और किसी तरह की उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, खाना चबाने से उसमें लार मिलती है, टाइलिन एंजाइम होता है, और अगर हम खाना सही से च्यू नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आंतों पर जब उसका पूरा प्रभाव पड़ता है पाचन क्रिया में, और दांत हमारे स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर शरीर में बाकी बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि दांत को निकाला जाए तो उसमें डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसको हम बेहोशी की दवा कहते हैं, और उससे एनेस्थीसिया दी गई जगह का फिर दांत निकाला जाता है। ये एकदम दर्द रहित प्रक्रिया होती है, और आवश्यकता इस बात की भी होती है कि दांत निकालने के बाद कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए, जैसे दांत निकाले गए जगह पर कॉटन लगा के जो दवा रखी जाती है उसको आधे घंटे तक दबा के रखें, और अगले 24 घंटे तक नरम और मुलायम खाना खाएं, ठंडा खाना खाएं, और सूजन आने पर उसकी बर्फ के पानी से या ठंडे तौलिए से सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी का प्रयोग 24 घंटे तक नहीं करना चाहिए, और 24 घंटे तक ब्रशिंग का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, 24 घंटे के बाद सामान्य ब्रशिंग कर सकते हैं। जी, लास्ट में यही कहना चाहेंगे, दंत स्वास्थ्य को पूरी प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए, और डेंटल हेल्थ अगर आपका सही होगा तो सामान्य स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हर 6 महीने में डेंटल चेकअप आपका होना चाहिए, जिससे आप बेहतर दंत स्वास्थ्य पा सकें। श्रोताओं, इसीलिए कहा गया है, खूबसूरत दंत पंक्ति हर चेहरे पर अच्छी लगती है, और मुस्कुराता हुआ चेहरा हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए दांतों का खूबसूरत होना बेहद जरूरी है, वरना मुस्कुराहट असरदार नहीं होती है। इसीलिए मुस्कुराहट को असरदार बनाए रखने के लिए अपने दांतों का रखें खूब ख्याल, और सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल। फिलहाल अपने रेडियो साथी ऋतु आर्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।